नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम प्रिंटर से डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को प्रिंटर से डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करने आता है तो वो देखें कि हम कैसे स्कैन करते हैं। सभी ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर आपके पास प्रिंटर पड़ा है और आपने सबसे देखना है, चेक करना है कि प्रिंटर हमारा इंस्टॉल है या नहीं, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, ये स्टार्ट है। इसके बाद आपने जाना है डिवाइस प्रिंटर, तो ये देखो कि आपके जो प्रिंटर है अभी, ये जो है HP लेजर जेट है M1005, तो ये प्रिंटर है। अगर इस पर टिक है तो ये चल रहा है, प्रिंटर ऑन होना चाहिए आपका जब भी आप प्रिंट दोगे। तो अब हम स्कैन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्कैन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जिससे आपने स्कैन करना है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये किताब दिख रही है, तो मैं इसको स्कैन करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आपने प्रिंटर के स्कैनर में इसको डालना है। तो ये प्रिंटर रहा, इस ढक्कन को आपने उठाना है और यहाँ पर ये किताब रखनी है और फिर इसको दबाना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, स्कैन करना है। तो स्कैन कैसे करते हैं, सभी ने ध्यान से देखना है। स्टार्ट पर जाना है, इसके बाद आपने जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर। तो डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, इस पर टिक करना है, राइट क्लिक, प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद आता है ऑप्शन स्टार्ट स्कैन, इसके ऊपर आपने टिक करना है और फिर आपने स्कैन करना है इसको। तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है ऑप्शन, नीचे लिखा स्कैन, स्कैन पर आपने टिक करना है। तो दोस्तों, प्रिंटर को थोड़ा आपने दबा कर रखना है, इधर से देख सकते हैं, इस पर आपने हाथ रखना है कि जिससे ये उठे ना, काला ना हो जाए। आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है। तो दोस्तों, स्कैन हो गया है, स्कैन करने हो गया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हमने कर दिया। इंपोर्ट होने के बाद आपके सामने ये जो पिक्चर है, ये सामने आ गया कि आपका ये स्कैन हो गया। तो सबसे पहले आपने देखना है इंपोर्ट किस जगह हुआ है, ये माय पिक्चर के अंदर हुआ है, माय पिक्चर एंड वीडियोस। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसको ढूंढेंगे, तो ढूंढने के आपको माय कंप्यूटर के ऊपर जाना है, ये माय कंप्यूटर है, इसको डबल क्लिक किया। इसके बाद आप माय पिक्चर में जाओगे, माय पिक्चर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो जैसे अभी मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है तो वो आज की डेट आ जाएगी, जैसे आज है 18 तारीख का और 2019 है। तो इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये डॉक्यूमेंट हमारा स्कैन हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।